दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव के दिन यानी 1 नवंबर से कई बड़ी योजनाएं छत्तीसगढ़ में शुरू होने जा रही है, जिसमें बच्चों को लेकर IIT और नीट की फ्री कोचिंग समेत मजदूरों को 5 रुपए में भरपेट खाना संबंधित तमाम योजनाएं इसमें शामिल है। छत्तीसगढ़ की सरकार आगामी 1 नवंबर से कई बड़ी योजनाएं शुरू करने जा रही है। इसका फायदा 28 लाख श्रमिकों को मिलेगा। इस योजना से उनके परिवार के लिए भी इसको लागू किया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा पर फोकस किया जा रहा है। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने इन योजनाओं को लेकर के नवा रायपुर के मंडल कार्यालय में संचालक मंडल की बैठक ली है और इस बैठक में विभाग की ओर से योजनाओं का अनुमोदन यानी एक तरह से स्वीकृति दे दी गई है। CM विश्वदेव साय राज्य स्थापना दिवस के दिन इन योजनाओं की शुरुआत करेंगे। श्रमिकों के बच्चों के बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन देने के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की शुरुआत होगी, जिसमें आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत 1 नवंबर से होगी। मजदूर परिवार सशक्तिकरण योजना रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों के बच्चों को IIT, JEE, नीट, CA की परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना की शुरुआत होगी। श्रम विभाग की सचिव अमलेगन मंगई डी, वित्त विभाग की विशेष सचिव शीतल वर्मा, BOC की सचिव सविता मिश्रा और मुख्य निरीक्षक और समायुक्त SS पैकरा ने योजनाओं के बारे में श्रम मंत्री को बैठक में तमाम जानकारियां सौंपी हैं। विधायक राय मुनि के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने से ईसाई समाज भड़का हुआ है, जहां CM कैंप जा रही भीड़ को पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करके रोका और आंसू गैस के भी गोले छोड़े गए। ईसाई समाज ने BJP विधायक राय मुनि भगत पर भगवान यीशु पर आपत्तिजनक बयान देने के आरोप लगाए हैं, जहां उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग लगातार हो रही है। साथ ही बात करें तो इसको लेकर समाज ने न्याय पदयात्रा निकाली, जिसमें हजारों लोग 130 किलोमीटर तय करके आस्था से बगिया पहुंचे, जहां CM कैंप में ज्ञापन सौंपने वाले थे। CM कैंप पहुंचने से पहले ही पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाकर पदयात्रियों को रोका और इस दौरान ईसाई समाज के लोगों ने बैरिकेटिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस से काफी नोकझोंक भी हो गई। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया और इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने नेशनल हाईवे 43 लोरो घाट के समीप सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इससे पहले ईसाई समाज ने नेशनल हाईवे 43 पर 130 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर विधायक रायमुनि के बयान का विरोध किया था और कार्यवाही की मांग की गई थी। आक्रोशित लोगों ने बताया कि विधायक रायमुनि भगत ने आस्था थाना क्षेत्र के ग्राम ढेंगी में आयोजित एक कार्यक्रम में ईसाई धर्म और धर्मांतरण को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची से नाम जुड़वाने 22,000 से ज्यादा, हटाने के लिए 4,000 से ज्यादा आवेदन अब तक आ चुके हैं। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग जोरों शोरों से इसकी तैयारी पर डटा हुआ है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत मतदाताओं की सूची में नए नाम जोड़ने और कुछ नाम हटाने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जहां वर्तमान में आयोग के पास प्रदेश के विभिन्न जिलों से कुल मिलाकर 22,182 आवेदन नए नाम जोड़ने के लिए, वहीं 4,478 आवेदन नाम हटाने के लिए और 1,182 आवेदन संशोधन के लिए आए हुए हैं। आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़े जाएं, जबकि जिन मतदाताओं का स्थानांतरण हो चुका है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम इस सूची से हटाए जाएं। रायपुर में AC फटने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। मृतकों में BJP नेता का भाई शामिल है, जहां ब्लास्ट की वजह से खिड़की के कांच तक टूट गए। रायपुर के एक बिल्डिंग में अचानक से आग लगने से भाजपा नेता के भाई समेत 2 लोगों की जान चली गई, जहां बताया जा रहा है कि AC के फटने की वजह से भीषण हादसा हुआ। फिलहाल मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए थे। बताया जा रहा है कि इस आग से कुछ लोगों को गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। हादसा देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है, जहां जानकारी के मुताबिक AC फटने से कमरे के अंदर धुआं भर गया और इसके चलते दम घुटने से अंदर मौजूद लोगों की जान चली गई। ब्लास्ट इतना तेज था कि खिड़की के कांच तक टूट गए। दमकल कर्मियों ने अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल भेजा गया है। मृतकों की पहचान आरिफ मंजूर खान 48 वर्ष और मसरत खान 26 वर्ष के रूप में हुई है।
बीजेपी विधायक के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर आदिवासी समाज लामबंद हो गया है, जहां धरना प्रदर्शन और लगातार नारेबाजी करी जा रही है। पूर्व मंत्री नेताम ने कहा कि कोंटा से बलरामपुर तक समाज के लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। साझा विधानसभा में आदिवासी युवक के साथ विधायक ईश्वर साहू के बेटे के द्वारा की गई मारपीट का मामला अब शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। विधायक पुत्र की गिरफ्तारी को लेकर बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग साझा में एकत्रित हुए और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। समाज प्रमुखों का कहना है कि ये अपमान आदिवासी नहीं सहेगा, विधायक के बेटे पर कार्यवाही करनी होगी, नहीं तो आगे आंदोलन और भी तेज होगा। इसके अलावा बता दें कि यहाँ धरने में पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद नेताम भी शामिल हुए थे, जहाँ उन्होंने कहा कि साझा में मनीष मंडावी के साथ जो घटना हुई वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 21 होटल और डेयरी में खाद्य विभाग का छापा मारा गया। दिवाली से पहले प्रशासनिक अमला एक्टिव हुआ है, जिसमें खोआ, मिठाई, पनीर के लिए सैंपल एकत्रित किए गए। बिलासपुर में दीपावली त्योहार पर मिलावटखोरी को रोकने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का अमला एक्टिव हो चुका है, जहां बीते दिन अलग अलग टीम ने शहर के अलग अलग जिले के साथ ही 21 होटल और डेयरी शॉप में भी छापेमार कार्यवाही की है और इस दौरान खोवा, मिठाई, पनीर के सैंपल लिए गए। जांच में मिलावट पर पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करने का भी दावा किया गया। दिवाली के पूर्व मद्देनजर कलेक्टर अवनीश शरण ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को लगातार मिठाई दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच करने का निर्देश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के हवाई यात्रियों के को एक बड़ा झटका लगा है, जहां इंडिगो की रायपुर से जगदलपुर जाने वाली फ्लाइट को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से रायपुर और जगदलपुर के बीच चलने वाली एकमात्र इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट ने बीते दिन अपना आखिरी उड़ान भरा, जहां यात्रियों की कमी के चलते अब इस फ्लाइट को बंद कर दिया गया है। वहीं बात करें तो इस फ्लाइट में अब जगदलपुर से 74 यात्री आए और रायपुर से 66 यात्रियों ने जगदलपुर से हैदराबाद के लिए उड़ान भरी और ये फ्लाइट सुबह 1:50 पर रायपुर आने के बाद दोपहर 2:10 वापस जगदलपुर के लिए उड़ान भरती है। बता दें कि हाल ही में मादंतेश्वरी एयरपोर्ट पर दोपहर को एक इंडिगो फ्लाइट की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई थी और ये फ्लाइट दोपहर 1 जगदलपुर से रायपुर के लिए उड़ान भरी थी। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर खबर, जहां बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम 16 पार्टियां मैदान में है, जिसमें 30 निर्दलियों ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिनमें 7 महिलाएं, 14 मुस्लिम प्रत्याशी, जबकि 30 को नाम वापसी को लेकर अब आवेदन की अंतिम तारीख रखी गई है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस की 16 पार्टियां मैदान पर है, जहां 46 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसमें 30 निर्दलीय हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों में से 7 महिलाएं भी हैं, वहीं 14 मुस्लिम प्रत्याशी भी हैं। उपचुनाव में नामांकन पत्रों की समीक्षा 28 अक्टूबर को होने जा रही है और उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे और इसके बाद वास्तविक स्थिति से स्पष्ट होंगे। इसके अलावा बात करें तो वोटिंग और 23 नवंबर को इसके परिणाम की घोषणा होने वाली है, जो 13 नवंबर को वोटिंग होगा। रायपुर एम्स में AI की मदद से इलाज होगा, जहां राष्ट्रपति ने IIT भिलाई का ऐप बनाया हुआ विकसित किया, जहां डॉक्टर ने कुछ सालों को गांव समर्पित करने को लेकर इन्होंने राष्ट्रपति ने बयान जारी किया। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सभी डॉक्टरों को अपने अपने पेशेवर जीवन के साथ कुछ वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों को समर्पित करने पर विचार करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि सभी विद्यार्थियों को समय पर गाँवों पर जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ले जाया जाए। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक संपन्न हुई है, जिस पर महंत ने कहा कि भाजपा सरकार की नाकामी जनता को बताएं, हर घर 3-4 जाने के निर्देश महंत ने कार्यकर्ताओं को दिया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई, जहां बीते दिन रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर के एक अहम बैठक आयोजित करी कांग्रेस ने। साथ ही महंत ने कहा कि पिछले 10 में भाजपा सरकार की नाकामी एक बड़ा मुद्दा है। सूरजपुर में पुलिस की बेटी और पत्नी को मार डाला गया, बलरामपुर की घटना निंदनीय है, बलौदा बाजार लोहारी जी की घटना को सबको बताना है, भाजपा की सरकार ने सामाजिक वातावरण को खराब कर दिया है, 10 में ही हड़ताल और पदयात्राएं हो रही है, भाजपा सरकार की अराजकता को लोगों तक बताना जरूरी है। ये बातें इन्होंने चरणदास महंत ने कही है। छत्तीसगढ़ में हुए कोल घोटाला मामले में नाको टेस्ट के आवेदन खारिज हो चुका है, जिस पर ACB और EOW ने 4 आरोपियों को नाको टेस्ट के लिए मांग की थी, जहां स्पेशल कोर्ट में इस बाबत सुनवाई हुई है।
छत्तीसगढ़ में हुए कोल घोटाला मामले में सूर्यकांत तिवारी समेत कुल 4 आरोपियों के नाकुर टेस्ट को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू की ओर से लगाए गए आवेदन पर स्पेशल कोर्ट में सुनवाई संपन्न हुई, जहां दोनों पक्षों के तर्क को सुनने के बाद कोर्ट ने एसीबी और ईओडब्ल्यू के आवेदन को खारिज कर दिया है। साथ ही बात करें तो यहां सूर्यकांत तिवारी, रजनीकांत तिवारी, निखिल चंद्राकर और रोशन कुमार सिंह, ये चारों आरोपियों के नाकुर टेस्ट की मांग यहां पर की गई थी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बवाल देखने को मिल रहा है, जहां थाने में हमला और तोड़फोड़ कर एफआईआर करी गई। दरअसल छत्तीसगढ़ पुलिस में कस्टडी में स्वास्थ्य कर्मचारी की मौत का ये पूरा मामला है, जहां शव का अंतिम संस्कार किया गया। पीड़ित परिवार से दीपक बैज ने मुलाकात करने बीते दिन समय दिया और पहुंचे। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पुलिस कस्टडी में हुई स्वास्थ्य कर्मचारी गुरुचरण मंडल की मौत को लेकर के 2 दिनों तक हंगामा चला। बीते दिन उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं अपने थाने में हमला और तोड़फोड़ करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई। प्रदेश में 6000 आरक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो रही है, जहां 16 तारीख से फिजिकल टेस्ट आयोजित होगा। प्रदेश में 6000 आरक्षकों की भर्ती अगले माह से शुरू होने जा रही है। जब पहले चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल फिटनेस इत्यादि की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। प्रदेश के 9 जिलों में 16 नवम्बर से पहले चरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अलग अलग जिलों में शुरू होने वाली भर्ती प्रक्रिया के लिए 4 नवम्बर से छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए जाएंगे। दरअसल पिछली सरकार ने ठीक चुनाव से पहले जिला पुलिस बल आरक्षक पद के लिए सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया। 4 अक्टूबर 2023 को 5,967 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ, लेकिन इस बीच प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई और चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से भर्ती प्रक्रिया रुक गई। जब भाजपा सरकार में विष्णुदेव साय की सरकार बनी तो उन्होंने भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में गौसेवकों ने गाय को बर्थडे पार्टी दे डाली, जहां वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल खैरागढ़ में 2000 किलो सब्जी और फलों से रंगोली की तरह इसको सजाया गया और फिर 200 गायों को इसको खिलाया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ में प्रदेश के 6000 आरक्षकों की भर्ती का मामला अगले महीने से शुरू होने जा रहा है, जहां पहले चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल फिटनेस और साथ ही आरगी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। प्रदेश के 9 जिलों में 16 नवंबर से पहले चरण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जहां अलग-अलग जिलों में शुरू होने वाली भर्ती प्रक्रिया के लिए 4 नवंबर से छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के गौशाला में बने दियो से अयोध्या नगरी जगमगाने वाली है। 1,00,000 दीपक के ऑर्डर मिले हुए हैं, जहां गोबर और गौमूत्र से दीपक तैयार किए जा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के दुर्ग के गौशाला में बने गोबर के दियो से इस दिवाली भगवान राम की नगरी अयोध्या जगमगाने वाली है। यहां 1,00,000 दिए बनाकर अयोध्या भेजे जा रहे हैं। इन दियो से रामलला के मंदिर को सजाया जाएगा। साथ ही दुर्ग नगर निगम की तरफ से संचालित श्री राधे कृष्ण गौधाम में 500 से अधिक गाय संरक्षित और ये जिले की पहली आत्मनिर्भर गौधाम समिति है, जहां गोबर और गौमूत्र से कई तरह की चीजें बनाई जा रही हैं।